GoPro Hero 9 जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही लिया है, इस भाई साहब ने बहुत गंदे वाला मेरे को धोखा दे दिया है। बिकॉज कल गया था मैं चांदनी चौक मार्केट, कुछ वहां से शॉपिंग वगैरह करनी थी। जितनी भी मैंने शॉपिंग करी उसका मैंने पूरा व्लॉग बनाया, सारी बात करी, डिटेल करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और इतनी गर्मी थी ना कि मैं क्या ही बताता। शूट तो पूरा किया है, वीडियो तो पूरी रिकॉर्ड करी है, बट भैया आवाज ही नहीं आ रही है। पता नहीं इसने क्या धोखा दे दिया मेरे को। तो मैंने एक एक अपना एक्सप्रेशन शेयर किया हुआ था, बट भैया इसने तो आवाज हमारी पूरी की पूरी गायब कर दी है। सो उसके चक्कर से हमारा कल का व्लॉग खराब हो गया, बट हम खराब नहीं होने देंगे। हम थोड़ी सी ऊपर से वॉइस, जिसको कहते हैं ना ओवर वॉइस डालना, तो हमें ओवर वॉइस डाल के ही अपना इस वाले व्लॉग को चलाना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा हमारा कंप्यूटर, और भैया यहाँ पर हम कोई भी वीडियो खोल लें, कोई भी, तो कहीं पर भी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। ये देखो देखो, हम यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं आपको, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। जिस जिस जगह पर गया मैंने उस जगह के बारे में बताया, वहां का रेट बताया, बट GoPro Hero 9 ने तो अपने को कल धोखा दे दिया। हाँ जी, बट फिर भी हम अपना ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे थोड़ी थोड़ी बातें करके। तो मैं बता देता हूँ कि मैं घर से निकला, घर से निकलते ही आपके भाई ने लिया सबसे पहले बैटरी रिक्शा मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। बाकी हमने चांदनी चौक इस वाली दुकान से दो मेमोरी कार्ड खरीदे थे, एक हमने खरीदा था अपने DSLR के लिए और एक हमने अपने खरीदा था GoPro के लिए, बिकॉज यहाँ पे रेट सही मिलता है। और GoPro का जो मेमोरी कार्ड है वो मेरे को इन्होंने कैमरा ऑन होने के बाद मेरे को इन्होंने दिया 530 रुपए का, DSLR का मेमोरी कार्ड इन्होंने मेरे को दिया 670 रुपए का। जब तक मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था ना, उससे पहले ये मेरे को रेट बता रहे थे इसका 560 रुपए, और DSLR वाले का रेट बता रहे थे 730 रुपए। तो भाई साहब हमने पैसे बचा लिए। कैमरा मार्केट के बाद हम गए सामने भगीरथ राय मार्केट, जहाँ पे भैया लाइटें वाइटें मिलती हैं। तो मेरे को कुछ लाइटें वगैरह भी चाहिए थी अपने दुकान के लिए, अपने घर के लिए। सो उस लिए हम पहुंचे अपने दोस्त की दुकान पे, और वहां से जाके हमने लाइटें वगैरह परचेज कर ली है। लाइटों का भी रेट यहीं पर ही भाई साहब सस्ता मिलता है, बिकॉज ये होलसेल मार्केट है पूरे नॉर्थ इंडिया की। तो अगर आपको लाइटें वाइटें चाहिए हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो दो चार चाहिए तो अपने घर के पास से ले लेना, टाइम मत खराब करना, क्योंकि दिन भी पूरा खराब होगा प्लस आने जाने में पैसे भी लगेंगे। तो एक दो लाइटों के चक्कर से यहां मत जाना। आपके भाई को थोड़ा बहुत सप्लीमेंट वगैरह भी चाहिए था, प्रोटीन से रिलेटेड और भी दो चार चीजें चाहिए थी, बट मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, बिकॉज आजकल ना बच्चे भी हमारा ब्लॉग देखते हैं। तो मैं किसी को भी ये सब चीजें रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको भी ये सब सप्लीमेंट वगैरह चाहिए हो ना, अपने डाइटिशियन से या अपने किसी कंसर्न पर्सन से पूछ के ही खाए तो वो ठीक है। पता लगे कि बच्चे मेरी वीडियो देख के सप्लीमेंट वगैरह कुछ खाना शुरू हो गए और कल को उनके पेरेंट्स मेरे से लड़ने आ गए, तो वो चीज गलत हो जाएगी। सो मैं सप्लीमेंट क्या लेने आया हूँ ये तो नहीं बताऊंगा, बट हमने यहाँ से सप्लीमेंट के लिए 3-4 दुकानें ट्राई करी, रेट ट्राई करा, और उसके बाद जहां से भैया हमें विद बिल माल मिला ना, हमने वहां से ले लिया। बट विद बिल लेने के बावजूद भी ना, मेरे को कम से कम पर आइटम के अंदर 400 से 500 रुपए मेरे बचे हैं। अपना चांदनी चौक आना सफल हुआ, बिकॉज मेमोरी कार्ड के अंदर भी हम लोगों ने पैसे बचाए, लाइटों के अंदर भी पैसे बचाए, प्लस प्रोटीन और सप्लीमेंट के अंदर भी हमने पैसे बचाए। सो चांदनी चौक आके मैं कह सकता हूँ कि मैंने 2-2.5 हजार रुपए अपने बचा लिए, जो मेरे लिए बहुत सही थे। कल का जो ब्लॉग हमारा निकल गया सो निकल गया, आज हम उसी ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसी के चक्कर से अभी हम जा रहे हैं अपने वेल्डिंग वाले भैया के पास, जिनसे मैं घर का सारा वेल्डिंग का सामान बनवाता हूँ। तो अभी इस टाइम पे हम लोग आए हुए हैं अपने अंकल जी के पास, जिनसे मैं वेल्डिंग का सारा काम करवाता हूँ। ये मेरे घर पर एक एक चीज़ ना अंकल जी ने करी हुई है, तो इनके पास आया हूँ ये ज़रा लॉक देने के लिए, क्योंकि घर पे ना दो डोर्स बनवा रहा हूँ, तो उस डोर के अंदर हमको ये ताला लगवाना है। और अंकल जी ने ना आईफोन ले लिया है हमारे वेल्डिंग वाले अंकल जी ने, तो दिखाते हैं अभी आपको। ये देखो अंकल जी ने आईफोन रखा हुआ है, मस्त वाला, दिखा दूं मैं? नहीं, पार्टी तो दे दो, आईफोन ले लिया आपने, मतलब इतनी मोटी कमाई है आपकी कि अंकल जी ने यहाँ पर नींबू लेमन बेच रहे हैं और साथ में यहाँ पर दरवाजे बना रहे हैं, और दरवाजे बना बना के अंकल जी ने आईफोन ले लिया। मैंने वन प्लस रखा हुआ है, इनको बताओ ये आईफोन है। ये लो जी, मतलब धोखा, रेडमी, मतलब ये धोखा, धोखा। हेलो जी, हेलो, कैसे हो जी, कैसे हो? मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आप कहाँ घूम रहे हो? आप कहाँ घूमी घूमी कर रहे हो? मैं भी घूम के आया हूँ। अच्छा, पार्टी का तो है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। पार्टी का तो है, पार्टी पार्टी है, रोज घंटे। मेहरबानी है कभी, मेहरबानी।
दस बार ही करेगा ये। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस बार मूव करें। सेफ्टी के पर्पज से सही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। देख लो अगर बदलना है तो मैं बदलवा। नहीं नहीं, एग्मा कंपनी की है। एक्चुअली मैं ना मैंने डबल डोर बनवाया, तो डबल डोर के अंदर ना यार ऐसे ही ताले लगते हैं, और ये अपना डोर यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब रेडी हो जाएगा ना मैं फिर दिखाऊंगा। मैं बच्चा है गाँव, मैं बहुत बच्चा है गाँव। मैं होने मैंने थोड़ी देर पहले कह रहा था ये लड़का कि इसके ऊपर रख के ना पंजा लगाते हैं। हाँ यार, ये मेरी रोजी रोटी है भाई। क्या हो गया? मेरी रोजी रोटी है ये। लाख रुपए जाएगा, नहीं टूट रहा कितने। हाँ तेरे लोग पंदे नहीं तेरी मैं। हेलो यार, ये क्या है ये? मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं खाना मैं। तो ये लोग ना मेरे को यहाँ पर जबरदस्ती ले हैं कि कुल्फी कुल्फी वगैरह खा लेते हैं, मीठा वगैरह खा लेते हैं। बट भैया मैं तो कह रहा हूँ मैंने नहीं खाना, सारा दिन हो चुका है डाइट पे रहते हुए, और इस टाइम पे आके मेरी सुबह से लेकर अभी तक की सारी डाइट ही ऐसी तैसी फेरने लगे हैं। भाई नहीं खाना मैंने कुछ भी। हेलो, डाइट कौन कर रहा है? देख तो लो भाई, डाइट मैं कर रहा हूँ, देख तो लो क्या होता है भाई। मैं मतलब डाइट नहीं कर सकता। देखो बंदे की डाइट कर रहे हैं भाई। मैं ना डाइट में पूरा ध्यान रख रहा हूँ, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ अभी, बट डाइट में पूरा ध्यान। डाइट भी नहीं कर रही है? नहीं नहीं, डाइट कर रहा हूँ भाई मैं, सच बता रहा हूँ। डाइट मत खराब कर, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। रक्षाबंधन का त्यौहार है, डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेट करना भैया, ऐसे दोस्त डीमोटिवेट ही करेंगे। इस मामले में जो जो बंदा नहीं कर सकता नहीं कर सकता। बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ताकि भाई मैंने ना कुछ नहीं खाना, तुम लोग जाओ खाओ पियो ऐश करो, मैं जाके अपनी दुकान पे मैं जाके अपना काम करता हूँ, क्योंकि अभी हमारी छुट्टी नहीं हुई है। यहाँ देखो जी ये लड़के मेरे लिए क्या लेकर आ गए हैं, मोमोज मोमोज, वो भी पनीर वाले, जिसको देखकर ना हम बिल्कुल भी रह नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी रह नहीं पाते हैं। मैंने क्या, मैंने क्या बोला था अभी, ये नहीं कर पाएंगे भाई, हम करने ही नहीं देंगे, हम करने ही नहीं देंगे भाई, ये बंदे खराब है। आज तो मैंने जैसे तैसे करके ये वाला ब्लॉग एडिट कर लिया, बट भाई साहब अगर गोप्रो मेरे को हर बारी इसी तरीके से तंग करेगा तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये तो मेरा नॉर्मल एक दिल्ली का डेली ब्लॉग था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैंने इसको बहुत आराम से बहुत इजी ले लिया। बट अगर यही 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 अगर मुझे किसी लॉन्ग राइड या लॉन्ग ट्रिप पे, जिसमें हम लोग दूर दूर माउंटेन्स वगैरह में या किसी दूर अब्रॉड इंटरनेशनल ट्रिप्स करने जाते हैं, और वहाँ पे अगर इस गोप्रो ने मेरे को अगर धोखा दिया, तो भाई साहब मेरा पूरा दिन, मेरी पूरी मेहनत और मेरे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर गोप्रो हीरो 9 अगर आपने मुझे इस तरीके से तंग किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आज तो हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, बट अगली बारी हम इसको बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे, फिर हम इसकी प्रॉपर तरीके से कंपनी में कंप्लेंट करेंगे। ताकि आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ कि देखो कभी ऐसा हो जाता है तो डबल मेहनत हो जाती है हमारी। और अगर आपको हमारा आज वाला व्लॉग और हमारी डबल मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। चोरी चोरी व्लॉग्स बिल्कुल मत देखो भाई साहब, मैं चेक कर रहा हूँ बहुत सारे लोग चोरी चोरी व्लॉग्स देख रहे हैं, तो यार ऐसे मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और व्लॉग को देखो, ठीक है? चोरी करना बंद करो, और कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाया करो, सो दैट कि उससे पता लग सके कि भैया किस किस ने व्लॉग देखा है। अगर आप आओगे चुपचाप से चले जाओगे, कोई कमेंट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि यार आपने हमारा व्लॉग देखा है। सो इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगाओ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हम इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय बाय। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है।